जब कोई जो है व्यक्ति जो है किसी चीज को ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखता है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर देखता है तो उसका मान लीजिए आंख यहां पर है, ठीक है, और इसके आंख से उस जैसे पतंग कोई पतंग उड़ रहा है या कोई व्यक्ति किसी मीनार के ऊपर खड़ा है, नीचे से आप ऊपर ऐसे देखते नहीं है, वो खड़ा है, या कोई टावर को देखते हो आप ऊपर ऐसे। तो जब आप ऊपर की ओर देखते हैं और उस आपके आंख से क्षैतिज और ऊपर दृष्टि रेखा, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल होता है थीटा, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए उन्नयन कोण। हाँ लिखो, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी व्यक्ति को देखता है, ऊपर की ओर किसी व्यक्ति को देखता है ऊपर की ओर किसी वस्तु को, व्यक्ति लिखो क्या? हाँ, ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है या व्यक्ति को, ऐसे दोनों चीज लिखो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कोई व्यक्ति या वस्तु को देखता है तो उसके दृष्टि रेखा, उसके दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के मध्य कोण, क्षैतिज रेखा ये वाली, क्षैतिज रेखा के मध्य कोण क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। जैसे कोई व्यक्ति कोई घर पे खड़ा हुआ, यहां पर वो नीचे किसी बॉल को देख रहा है, किसको? बॉल को। तो उस स्थिति में जो कोण होता है, ये व्यक्ति के दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा है आपका, ये वाला दृष्टि रेखा है, क्या है? ये दृष्टि रेखा है, ये वाला कैसा रेखा है? क्षैतिज रेखा। इनके मध्य जो कोण बनता है वो अवनमन कोण। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आया था अगली बार कि अवनमन चित्र बना हुआ था और सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, मतलब कितना इसमें उन्नयन कोण है पहचानिए और कितना इसमें अवनमन कोण है, ये क्वेश्चन आया था एक नंबर में बहुविकल्पी में। तो आप लिखिए, जब कोई व्यक्ति किसी मीनार या शिखर के, किसी मीनार या घर के शिखर से, मीनार या घर के शिखर से नीचे की ओर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखता है, नीचे की ओर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखता है, किसी वस्तु या व्यक्ति को देखता है तो उनके दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के मध्य, उनके दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण को अवनमन कोण कहते हैं, बना कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ये वाला देखिए, ये व्यक्ति नीचे किसी गेंद को देख रहा है और ये इसका दृष्टि रेखा इधर है ये वाला, और क्षैतिज रेखा इधर है, तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा का बना जो कोण होता है वही हमारा क्या कहलाता है? अवनमन कोण। और हम एक नियम जानते हैं अंता एकांतर कोण से, जो एंगल यहां होता है वही एंगल आपका यहां, ये ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हुआ कंप्लीट। तो यहां पर एक फार्मूला हम लोग देखेंगे, क्या बराबर? लंब बटे कर्ण, उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर आपका क्या होगा? लंब बटा आधार। इस क्वेश्चन इसमें ना, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फार्मूला यूज होने वाला टैन थीटा होगा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बाकी इसका उल्टा आप जान लीजिए, जब आपको यह पता है तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा बराबर आप क्या ले लिख सकते हैं?
कर्ण ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, ये कॉस थीटा है, कॉस का सेक ले लें, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और टैन का उल्टा कॉट, इसका क्या होगा, आधार बटा, क्या होगा, आधार बटे लंब, छह त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। तो एक आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना चाहिए कि क्या फार्मूला होता है इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय भी आपका इसमें यूज करना है, और त्रिकोणमिति समकोण त्रिकोण के, समकोण त्रिभुज के आधारित है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये फार्मूला लिखिए और हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अब, ठीक है। हाँ चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा हो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ 9.1 पहला क्वेश्चन लिखो। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, आगे देखते हैं, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ये चीज पता चल गया। तो यहां पर एक खंभा मान लेते हैं हमारा, क्या ये, ठीक है, और इस खंभे पर एक डोरी ऐसे बंधी हुई है भूमि से, और ये वाला चीज एकदम तना हुआ है, रस्सी, रस्सी क्या है, एकदम तनी हुई है, तो भूमि से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का, और ये कितने मीटर लंबी रस्सी है, 20 मीटर लंबी डोर है ये वाला डोर, तो यहां से यहां तक आपका क्या है, 20 मीटर, इसका नाम दे दो ए बी सी। आपसे पूछा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की ऊंचाई, तो एक बात बताओ, ये खंबे की ऊंचाई h मान ले हम, ठीक है, तो एक चीज बताओ हमें क्या पता है, लंब पता है, लंब पता करना है, और क्या दिया है, कर्ण दिया है, तो कौन से फार्मूले में हमें लंब और कर्ण मिलेगा, साइन कॉस टैन, साइन में, तो हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, साइन थीटा बराबर, थीटा इधर पे क्या है 30 अंश, और लंब बटे कर्ण, लंब कितना है h, कर्ण कितना है 20, कोई दिक्कत, हाइट पता चल जाएगा, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यहां पर h बटा क्या है 20, इसका यहां पे गुणा कर दो, 20 एक काम बटे में, यहां पर आपका h काट देंगे तो 10 आएगा मीटर, मीटर देखो यहां पे जो दिया रहेगा मीटर रहेगा, तो यहां पर मीटर आएगा, यहां सेमी रहेगा तो सेमी आएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो पहला क्वेश्चन, यानी खंबे की जो हाइट है वो कितना है 10 मीटर, ठीक है, आपको हाइट आसानी से आप निकाल सकते हैं। नोट कर लो, लिखो, आंधी से आने से एक पेड़ टूट जाता है, कभी कभी गांव देहात में देखे हो ना पेड़ जो टूट जाता है बीचों बीच से जब आंधी तेज आती है, तो पहले ये नोट कर लिए कि नहीं, ठीक है। नाइन पॉइंट वन देखो, एक ऐसा पेड़ है जिसकी लंबाई जो भी होगा h होगा, मान ले ये पहले पेड़ की लंबाई h थी, ठीक है, लेकिन आंधी तेज आने के कारण ये पेड़ यहां से टूट जाती है, ठीक है, यहां से पेड़ क्या हो जाती है, टूट जाती है, और टूटने के बाद ये वाला हिस्सा जो है नीचे यहां पर झुक जाता है, ठीक है, और जब, हाँ देख लेते हैं, और झुके हुए पेड़ के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। अब इसको मान ले, देखिए यहां से यहां तक की हाइट हम मान लेते हैं x, यहां से यहां तक, और यहां से ले लेते हैं क्या है y, यहां से इसका नाम देते थे a, ये b,
सी और डी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जितना पेड़ यहाँ पे है ये हाइट, यही टूटा होगा तो वाई यहाँ भी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जो है आपका कितना है, 8 मीटर है। कितने मीटर है? 8 मीटर। तो यहाँ पर 8 मीटर है ये, तो आपका जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? पेड़ का पूरा एच। तो एक बात बताइए, आपको क्या क्या पता है? पहले हम देखो, साइन थीटा बराबर वो साइन थीटा बराबर टैन थीटा लगाएंगे, लंब बटे आधार। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में सिंपल है, टैन थीटा, थीटा के दर पे टी संस, लंब कितना है ये यहां से यहां तक एक्स, आधार कितना है 8, टैन टी संस का मान आपका होता है क्या 1/√3, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 8, इसका गुणा यहां कर दें 8/√3 एक्स। तो परमेयीकरण कर सकते हैं यहां पर, तो परमेयीकरण हम करेंगे यहां पर √3 ऊपर और √3 नीचे, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 8√3 और नीचे आएगा 3, एक्स का मान आ गया। ये मीटर में है, मीटर में लिखो। अब हम क्या लेंगे, एक फार्मूला हम यूज करेंगे जिसमें आपका आधार पता हो और कर्ण पता, तो कौन सा फार्मूला होगा? तो कॉस थीटा वाला हम यहां पे देख लेते हैं, कॉस थीटा दर पे क्या है 30 अंश, आधार बटा क्या होता है कर्ण वाई, तो कॉस 30 अंश का मान होता क्या है √3/2 8/y, इसका इधर गुणा कर लो और इसका इधर कर लो, √3y = 16। अब ये √3 कहाँ आएगा, बटे में। परमेयीकरण कर सकते हैं तो कर दो, √3/2 में क्या हो जाएगा 3। क्या अब हम एक बात बताओ, ये पूरी हाइट पता कर सकते हैं क्यों, कैसे? h बराबर क्या है x + y, x का मान हमने निकाला 8√3/3 प्लस y का मान कितना आया है 3/8, इसको हर हर सेम है एक बार ले लें। अब यहाँ 8 और 16 जोड़ेंगे 24, और यहाँ पे √3 हो जाएगा, काट देंगे कितनी बार, 8 बार मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो पेड़ की रियल में जो हाइट थी 8√3 जब टूटी नहीं थी तब की हाइट है, ठीक है। आगे इसको नोट कर लो, यहां पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार को बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी जानते हो ना सरकौआ, जो आप उस पर चढ़ के सरकते हो, तो वो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। तो 5 वर्ष से कम वाले का देखते हैं, पहले क्या है 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो फिसलन पट्टी ऐसा होगा इस तरीके से, और ये कितने लंबा होना चाहिए 1.5 मीटर, ए नाम दे दो, बी और सी, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। और ये भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका है, भूमि से 30 अंश के कोण पर झुका, यानी यहां पर आपका कितने डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है। तो फिसलन शिखर है तो, जबकि उससे अधिक बच्चों के लिए 3 मीटर, प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है ना, ये इसकी लंबाई आपको चाहिए। लंबाई निकालने के लिए यहां मान लो एक से हमारी कोई लंबाई जो है, आपको लंब पता है और कर्ण पता है, कौन सा फार्मूला लगेगा, लंब और कर्ण, साइन लगेगा, ऐसे ही लगाना है। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में,
साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा, थीटा किधर पे 30 अंश, लंब कितना है 1.5, आधार कितना है x, सॉरी कर्ण कितना है x है, साइन 30 अंश का मान 1/2 1 पॉइंट क्या है ये, इसका गुणा इधर कर दें, इसका गुणा इधर कर दें तो ये x हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा 3 मीटर होगा कि आपका सेमी, क्योंकि इसकी लंबाई मीटर में दिया है तो ये भी आपका मीटर में, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनके फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर, यानी ये वाली लंबाई, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए, और 5 साल के अधिक बच्चों के लिए देखेंगे अब, ठीक है।